Good morning to all of you students. Today's topic is homomorphism and related theorem. So, what is a homomorphism? We say that let G under binary operation o and G dash under binary operation star be two groups. Then a mapping f from G to G dash is called homomorphism if f of a o b this is equal to f of a star f of b for all a b belongs to G. Or uh, we can write it as f is a mapping from G to G dash such that f of a b this is equal to f of ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी सो मीन होमोमोरफिज का मतलब क्या हुआ हमारे पास दो ग्रुप है सेकेंड ग्रुप पे हमारा ऑपरेशन हैमोम कब हम उसको कहेंगे अगर हमें एक ऐसी मैपिंग मिलेगी कहां से कहां तक इस ग्रुप जी से जी डैश पे सच दैट क्या होना चाहिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए दैट इज एफ ऑफ ए बी दिस इज इक्वल टू एफ एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी सो मीन्स अगर हम एलिमेंट इस ग्रुप जी से लेंगे उसका ये जो उसके ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे वो इन एलिमेंट्स को कैसे मैप करेगा वो इस एलिमेंट को दूसरे जो ग्रुप पे इस तरीके से मैप करेगा दैट इज यहां पे आ जाएगा यहाँ पे अगर कंपोज़ ऑपरेशन ओ था तो ये अब यहाँ पे दूसरे ग्रुप का ऑपरेशन लग जाएगा दैट इज स्टार सो so, जैसे यहाँ पे मैंने आ, फिगर में से आपको सिखाया है दिखाया है कि कैसे हम आ, आ, ये मैपिंग्स हो रही हैं सो so, जैसे पहला ग्रुप है तो ग्रुप की मैपिंग हो जाती है ज, आ, कार्टीजन प्रोडक्ट है दैट इज जी क्रॉस जी टू जी और इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं जीरो जीरो और वी कैन से ओ आ, इसी तरीके से जो हमारे पास जी डैश ग्रुप है उसके ऊपर ये बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज स्टार और ये इसके ऊपर जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा ये इस तरीके से एलिमेंट्स को मैप करेगा इसी तरीके से ये हमारे पास एल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स है जो हमने इस कार्टिजन प्रोटेक्ट से लिया है उसके ऊपर जब हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे मीन्स फर्स्ट ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन तो वो वो एलिमेंट्स को कैसे लेगा ए ओ बी को ए ओ बी और जब उसके ऊपर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो किस तरीके से ब्रेक करेगा दूसरे एलिमेंट्स में से ऑफ द अदर ग्रुप दैट इज एफ ऑफ ए देन ओ डैश या आप स्टार डैश लिख सकते हैं ऑफ एफ ऑफ बी ओके सो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एपीमार्फिजम सो ए होमोमारफिज्मच इज ऑन टू इज कॉल्ड द एपीमार्फिज्म सो वो होमोमॉर्फिज्म जो ऑन टू होगा उसको हम एपीमार्फिज्म कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म मीन्स ए होमोमोरफिज्म वन वन एंड ऑन टू देन एन्डोमारफिजम मीन्स ए होमोमोार्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी इज कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म सो मीन्स ऐसा होमोमॉर्फिज्म जो uh, कहां से कहां तक तो होगा सेम ग्रुप पे होगा सो मीन्स एफ फ्राम जी टू जी देट इज कॉल्ड द एंडोमॉर्फिज्म

नेक्स्ट इज द होमोमॉर्फिक इमेज सो ए होमोमॉर्फिज्म इफ ए होमोमॉर्फिज्म एफ फ्रॉम जी टू जी डैश इज ऑन टू देन जी डैश इज सेट टू बी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी सो मीन्स अगर होमोमॉर्फिज़म जो हमने एक uh, मैपिंग ली है कहाँ से ग्रुप जी से जी डैश पे अगर ये ऑन टू होगा सो so, उस केस में जो जी डैश होगा वो इस जी का क्या बनेगा होमोमॉर्फिक इमेज बन जाएगा आइसोमार्फिक मीन्स अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं वी से दैट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश इफ देयर एग्जिस्ट एन आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश सो मीनस अगर इसके बीच में क्या अप्लाई होगा अगर हमें आइसोमोफिजम मिलेगा ग्रुप जी से जी डैश तक और उसको हम डिनोट करते हैं जी इज आइसोमोफिक टू जी डैश से सो कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म मीन्स लेट एफ इज ए फंक्शन फ्राम जी टू जी डैश एंड बी ए होमोमोरफिज्मन द कर्नल ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई के एफ और के ई आर एफ और वी कैन से कर एफ एंड इज डिफाइंड एज कर्नल ऑफ एफ दिस इज इक्वल टू एक्स इन जी सच दैट एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ई डैश वेर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश सो मीन्स अगर ये हमारे पास ग्रुप है जी ये दूसरा ग्रुप है जी डैश सो इसके ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो मीन्स एफ अप्लाई किया सो अगर यहाँ पे हम कोई एलिमेंट एक्स जो है वो इस ग्रुप से ले रहे हैं वो जब हम इसके ऊपर मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो किस पे आ जाएगा जी डैश में आ जाएगा सो अगर ये जो मैपिंग है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप के इक्वल आ जाए सो हम उसको क्या बोलते हैं कर्नल ऑफ आई

उसके इसमें क्या होगा हम ऐसे लिख सकते हैं एफ़ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इं ई इंटू ई डैश दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो बिकॉज आप लिख सकते हैं अगर हम किसी भी एलिमेंट है जैसे ए है उसको अगर हम ए इंटू ई लिखेंगे तो वो सेम ही रहता है सो so कोई डिफरेंस नहीं है सो so यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है सो फर्दर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एफ़ ऑफ एक्स इंटू ई ओके सो दिस इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा सेम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक कर जाएगा इसको एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ ई में सो so, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है सिंस ये जी डैश क्या है हमारे पास ग्रुप है सो नाउ जी ई डैश इज ए ग्रुप सो दियर फोर हमें क्या मिल जाएगा दियर फोर uh, यहां से हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इंटू ई डैश जो है दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ़ ई सो अगर लेफ्ट कैंसिलेशन लाज लगा लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ई डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ई एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा सो आई विल राइट हियर बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला इन ग्रुप सो so, यही हमें प्रूव करना था तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है सो सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे आई विल अगेन टेक एन एलिमेंट सो लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी सो देन उस केस में क्या होगा उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा सो एक्स इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस ग्रुप सो वी हैव सो वी हैव एफ ऑफ एक्स इं टू एफ ऑफ एक्स इन सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अगेन होमोमॉर्फिज्म uh, की डेफिनेशन लगाएं सो so, होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी दैट इज एफ ऑफ ए ओ बी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए स्टार एफ ऑफ बी या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं so, आप सो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इन टू एक्स इन सो दिस इज इक्वल टू एफ इन टू आइडेंटिटी एलिमेंट और ये एफ ऑफ ई एज पर इक्वेशन फर्स्ट ये हमारे पास जो कंडीशन फर्स्ट था वहां से किसके इक्वल है ई e डैश की इक्वल सो आई कैन राइट हियर दैट इट इज़ इक्वल टू ई डैश सो दिस इम्प्लाइज जो एफ ऑफ एक्स है दिस इज द एफ ऑफ एक्स इनवर्स जो है दिस इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इन द ग्रुप जी डैश इन द ग्रुप जी डैश सो so, दस यहां से क्या प्रूव हो गया हमारा कि दैट एफ ऑफ एक्स इन वर्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ग्रुप जी हैंस प्रूट सो नेक्स्ट थेरम इज दैट प्रूव दैट होमोमोरफिज इज एन आइसोमोरफिज्म एंड ऑन लीव कर्नल फी इज इक्वल टू आइडेंटिटी या ऐसे भी आप आ सकता है पेपर में क्वेश्चन या इस तरीके से आएगा कि अगर फी एक मैपिंग है जी टू जी डैश पे बी आ होमोमोरफिज्मी इज वन वन इफ एंड ऑन लीव कर्नल फी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी सो देखें इसको कैसे प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट सपोज दैट मैपिंग हमारी कहाँ से कहाँ तक है फी से जी डैश जी टू जी डैश सपोज दैट फी इज़ द मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश एंड दिस इज वन वन होमोमॉर्फिज्म दिस इज वन वन होमोमॉर्फिज्म सो दिस मीन्स अगर ये वन वन होमोमॉर्फिज्म है सो so हम आप क्या करेंगे एक एलिमेंट लेंगे इसके कर्नल में सो आई विल राइट लेट ए बिलोंग्स टू द कर्नल ऑफ़ फी सो देन डेफिनेशन कर्नल की लगाएंगे तो मीन्स जो फी ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए किसका जी डैश के एलिमेंट पे मीन्स इस जी डैश जो ग्रुप होगा उसके आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए सो दिस एम्प्लाइज सो फी ए दिस इज इक्वल टू फी ई कि ये हम कर सकते हैं बिकॉज हमने भी प्रीवियसली जो थ्योरम की थी वहां पे हमने ये शो किया था जो फी ई है दिस इज इक्वल टू तो ई डैश के इक्वल या जहाँ पे मैंने लिखा था एफ ई जो है ई डैश केक्वल सो तो वो यहाँ पे अप्लाई हो गया सो तो यहाँ से फी गेट्स कैंसल्ड तो ए किसके इक्वल हो जाएगा ई अब कैंसल्ड मीन्स ये फी वन वन है तो डायरेक्टली ए किसके इक्वल आ जाएगा ई सो तो फी इज वन वन यहाँ पे आप लिख सकते हैं रीजन सो so, दस ए बिलोंग्स टू ये किसको बिलोंग कर गया कर्नल फी दिस इंप्लाईज ए इज इक्वल टू ई हैंस जो कर्नल ऑफ फी है दिस इज इक्वल टू ई सो दिस इज द कर्नल ऑफ ई दिस इज इक्वल टू द सिंगलटन ईके अब हम इसका कन्वर्सली पार्ट लेके चलते हैं सो so, कन्वर्सली में हम सपोज क्या करेंगे कन्वर्सली सपोज दैट सपोज दैट कर्नल ऑफ फी दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट ई टू शो क्या करना है हमें टू शो करना है फी इज़ वन वन सो टू शो दैट फी इज वन वन सो अगर फी इज वन वन है तो मीन्स हम पहले क्या लेके चलेंगे लेट फी ऑफ ए दिस इज इक्वल टू फी ऑफ बी वेर ए और बी किस किससे हैं ग्रुप जी को बिलोंग करते हैं सो फॉर ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी सो अगर फी ए दिस इज इक्वल टू फी बी है तो so अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बहुत साइड से फी बी इनवर्स से मल्टीपल कर देंगे इस इक्वेशन को तो आई विल राइट हियर फी ऑफ ए इं टू फी ऑफ बी होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू फी ऑफ बी इंट फी ऑफ बी होल इनवर्स ओके यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दिस एम्प्लाइज फी ऑफ ए दिस अब जो फी ऑफ अभी हमने एक पढ़ा था जो प्रीवियस थेरम थी हमने लिखा था कि जो एफ ऑफ एक्स इन्वर्स होता है दिस इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल इन्वर्स सो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और एक्स किस को बिलोंग करेगा ग्रुप जी को सो यही चीज़ अप्लाई करती हूँ मैं यहाँ पर यह आपके पास बन जाएगा फी ऑफ बी इनवर्स ओके okay. सो so, ये पार्ट आ गया हमारे पास सिमिलरली ये पार्ट क्या किसको चला जाएगा दिस इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फ़ी ऑफ अब यहाँ पे फिर अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे फी तो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है सो so, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी सो so, होमोमॉर्फिज्म है फ्री So we can write phi of A into B inverse, this is equal to E dash. So, यहां से हमारे पास क्या बन गया जो ये ए बी इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया वो कर्नल में आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई ई डैश की इक्वल आई और ई e डैश किसके इक्वल आया था अभी हमारे पास हमने बताया था ई e डैश जो हमारे पास आया ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा ये इसके मीन्स uh, कर्नल में आ जाएगा सो मीन्स कर्नल और फी में आ जाएगा तो डायरेक्टली वी विल राइट हियर सो दिस एम्प्लाइज फी ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फी और कर्नल फी की वैल्यू कितनी है दिस इज द आइडेंटिटी सो आई विल राइट हियर सो आई विल राइट हीयर सो दिस इम्प्लाइज मैंने लिखा था ए बी इनवर्स दिस बिलोंग्स टू कर्नल फ़ी सो कर्नल फी की वैल्यू आइडेंटिटी एलिमेंट थी तो आई विल राइट हीयर एनवर्स दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी अब इसको हम बी से मल्टीपल कर देते हैं बहुत साइड से तो यह आ जाएगा ए बी इनवर्स इंटू बी दिस इज इक्वल टू ई बी सो यहाँ पे एसोसिएटिव ला जब लगेगा तो ये आपके पास आ जाएगा ए इंटू बी इनवर्स बी दिस इज इक्वल टू ई बी एंड दिस गोज ए इंटू आइडेंटिटी विच गोज टू दिस इज इक्वल टू ई बी सो फ्रॉम हियर वी विल राइट ए इंटू दिस इज इक्वल टू बी और सिंपली ए इज इक्वल टू बी सो दियर फोर यहां से क्या आ गया फी हमारे पास क्या हो गया वन बन वन आ गया हेंस प्रूट थैंक यू